नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान में, आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। जयपुर पहुंचे राजस्व मंत्री हरीश चौधरी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी जयपुर पहुंच चुके हैं। दिल्ली से जयपुर पहुंचे हरीश चौधरी। आपको बता दें कि हरीश चौधरी दिल्ली थे और ऐसे में दिल्ली के दौरे पर थे और अब वो जयपुर वापस पहुंच चुके हैं। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रशासन गाँव के संग अभियान को लेकर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। जयपुर पहुंचे राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। दिल्ली से जयपुर पहुंच चुके हैं और ऐसे में 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई जानकारी वो दे सकते हैं। तो ये बड़ी खबर, दिल्ली से जयपुर पहुंचे हैं हरीश चौधरी, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दोपहर 3 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कई जानकारियां दे सकते हैं। प्रशासनिक गांव के संग अभियान को लेकर यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जयपुर पहुंचे राजस्व मंत्री हरीश चौधरी। आपको बता दें कि हरीश चौधरी दिल्ली के दौरे पर थे और ऐसे में अब दिल्ली से जयपुर वापस वो आ चुके हैं और आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई जानकारियां वो साझा कर सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिनेश जुड़ चुके हैं। दिनेश, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी दिल्ली के दौरे पर थे और ऐसे में अब वो जयपुर पहुंच चुके हैं, 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या कुछ खास होगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? जी देखिए, राजस्थान में 2 अक्टूबर से प्रशासन गांवों के संग एक अभियान शुरू होने जा रहा है, जिसके तहत हर ग्राम पंचायत में जहाँ सरपंच हेडक्वार्टर होता है वहाँ पर ये कैंप लगेंगे और 19 विभाग से जुड़े जो कामकाज है वो एक साथ होंगे, चाहे वो खाद्य विभाग हो, सहकारिता विभाग हो, ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग हो या राजस्व विभाग, यानी तमाम अधिकारी कर्मचारी गांवों में जाएंगे और ग्रामीण के गांव में जाकर उसकी जो भी शिकायत समस्या है उनका ऑन द स्पॉट समाधान करेंगे। लाखों की तादाद में ग्रामीणों को इस कैंप से फायदा होगा, खासतौर से उनके जमीन से जुड़े जो विवाद है उनके निपटारे में सहयोग मिला। तो किस तरह ये अभियान चलेगा, कितने दिन चलेगा, क्या क्या काम होंगे, इनकी विस्तार से जानकारी राजस्व मंत्री हरीश चौधरी देंगे सिविल लाइन स्थित आवाज पर दोपहर 3 बजे वो मीडिया से मुखातिब हो गए। इसके अलावा पंजाब और अन्य सियासी मसलों पर भी कोई बयानबाजी हरीश चौधरी की तरफ से हो सकती है। ठीक दिनेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई जानकारियां वो साझा कर सकते हैं। प्रशासन गाँव के संग अभियान को लेकर भी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। चलिए, तो इस